इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? एक सिंपल सा लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जैसा ही है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। देखो इस लॉ में क्या है, इस लॉ में दिस लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ऑल्दो इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब एनर्जी क्रिएट भी नहीं हो सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म ट्रांसफर होते हैं। यही है लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसा है, मतलब एनर्जी को हम जैसे क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं और इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, ये ट्रांसफर हो सकता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ को हम डिटरमाइन करेंगे तो क्या होगा, डेल यू इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू, और डेल यू मतलब यू टू माइनस यू वन। चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी मतलब क्या है, ये एक सिस्टम का टोटल एनर्जी है, और Q अमाउंट ऑफ सिस्टम में हीट है और W अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ है सिस्टम में, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक सिस्टम के लिए। अब ये फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल डेफिनेशन है। अब इसमें याद रखना वर्क अरे ऑन द सिस्टम वर्क हुआ है तो डेल इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, लेकिन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम वर्क करेंगे तो डेल इक्वल क्यू माइनस डब्ल्यू होगा। एग्जाम्पल में देखो, अब इस एग्जाम्पल में ये एक सिस्टम है, सिस्टम का इंटरनल एनर्जी U1, अब U1 अमाउंट इसमें Q अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया है, Q अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करने से इसका इंटरनल एनर्जी U2 हो गया। अब U2 इसका ही क्या हुआ, इसको एक्सपांड हुआ है, इसमें एक्सपांड हुआ तो ये W अमाउंट ऑफ वर्क डन किया है, मतलब ये सिस्टम ने वर्क किया है तो ये नेगेटिव होगा। अब इसलिए इसका डेल U इक्वल हम लिख सकते हैं Q माइनस W, मतलब इसे Q से W अमाउंट ऑफ एनर्जी एज ए वर्क डन यूज किया है इस सिस्टम में, क्योंकि ये बाय द सिस्टम वर्क है, ऑन द सिस्टम होगा तो W Q के साथ प्लस होगा। ऐसे ही हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, मतलब एनर्जी कैसे एक्सचेंज होता है एक स्टेज से दूसरे स्टेज, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझने के लिए अब एक न्यूमेरिकल्स करते हैं, एक सिंपल न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स क्या है देखो, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। नंबर वन क्या है, एक सिस्टम एब्जॉर्ब्स 15 किलोजूल ऑफ हीट एंड डज 5 किलोजूल ऑफ वर्क। अब इस सिस्टम के लिए नंबर वन जो दिया है क्वेश्चन में, जो केस है इसमें क्यू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया है, मतलब 15 किलोजूल हीट प्लस होगा, प्लस साइन होगा, क्योंकि ये हीट एब्जॉर्ब किया है। नेक्स्ट बोला है सिस्टम क्या कर रहा है, डज 5 किलोजूल ऑफ वर्क, सिस्टम वर्क कर रहा है, मतलब सिस्टम से वर्क हो रहा है तो बाय द सिस्टम है। सो W इक्वल क्या होगा इसमें, माइनस 5 किलोजूल, इसमें माइनस 5 किलोजूल होगा। तब इसका इंटरनल एनर्जी कितना हुआ पूछा है, सो इधर हम क्या होगा, डेली इक्वल क्यू प्लस W फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्यू इक्वल माइनस W, क्यू 15 माइनस 5 मतलब 10 किलोजूल ऑफ इंटरनल एनर्जी होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा। अब नंबर बी के लिए देखो, नंबर बी क्वेश्चंस क्या है, 5 किलोजूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड 15 किलोजूल ऑफ हीट इज गिवन आउट बाय द सिस्टम। मतलब 5 किलोजूल ऑफ वर्क यदि सिस्टम के ऊपर किया तो ये 15 किलोजूल ऑफ हीट सिस्टम से बाहर होगा, तो सिस्टम से हीट निकाल गया तो क्या होगा, इधर Q इक्वल माइनस 15 किलोजूल होगा, क्योंकि इधर से क्या होगा, सिस्टम से हीट निकाल रहे हैं, सो Q अमाउंट इक्वल क्या होगा, माइनस 15 किलोजूल, एंड W इक्वल ये ऑन द सिस्टम वर्क हो रहा है तो पॉजिटिव होगा, मतलब प्लस 5 किलोजूल वर्क। सो अब क्या होगा, माइनस Q प्लस W मतलब माइनस 15 प्लस 5 मतलब माइनस 10 किलोजूल्स, इसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा नंबर बी के लिए, सेकंड के लिए। ऐसे हम इस सिंपल क्वेश्चंस ऐसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करके कर सकते हैं।